खबर चमोली से। तीसरी बार बने कंडारी व्यापार संघ अध्यक्ष। व्यापार संघ नारायणबगड़ के व्यापार संघ अध्यक्ष चुनाव में जयवीर कंडारी को व्यापारियों ने लगातार तीसरी बार अपना अध्यक्ष चुना। रविवार अपराह्न को व्यापार संघ अध्यक्ष के चुनाव में तीन दावेदारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। चुनाव पर्यवेक्षकों की निगरानी में हुए चुनाव में कुल 104 व्यापारी उपस्थित रहे, जिनमें से 96 व्यापारियों ने मतदान किया, जिसमें त्रिलोक सिंह को 3 मत, मनोज सती को 2 मत तथा जयवीर कंडारी को 90 व्यापारियों ने मतदान किया। इस तरह जयवीर कंडारी को व्यापारियों ने तीसरी बार अपना अध्यक्ष चुना। चुनाव संपन्न होने के बाद व्यापारियों ने चुने गए अध्यक्ष जयवीर कंडारी को फूल मालाओं से लाद कर हर्ष मनाते हुए मिठाइयां बांटी। मतदान से पूर्व तीनों प्रत्याशियों ने व्यापारियों के बीच अपने विचार रखकर मतदान की अपील की। इस अवसर पर तीसरी बार विजयी रहे जयवीर कंडारी ने अपने पिछले कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता सभी व्यापारियों को साथ लेकर व्यापारियों के हित में काम करना है, जो वह पिछले कार्यकाल से ही करते हुए आए हैं, जिसका पुरस्कार व्यापारियों ने उन्हें तीसरी बार चुनकर अपना आशीर्वाद दिया। व्यापार संघ की जो भी कंडारी जी तीसरी बार बने हैं, उन्होंने 2017 में व्यापार संघ का पहली बार पद ग्रहण किया था। इनके द्वारा सर्वप्रथम स्वच्छता अभियान पर इन्होंने सबसे पहले मार्केट में एक मुहिम चलाई थी, जो कि आज नारायणगढ़ व्यापार संघ में हर जगह सफाई अभियान पूर्ण रूप से पूरा कर चुके। और दूसरी बात, इनके द्वारा जो क्षतिग्रस्त शौचालय थे उनको 2 शौचालय बनाए गए, तो उनको भी पूर्ण रूप से पूरा किया गया। और समस्त व्यापारों का हमेशा वो साथ देते रहते हैं। अभी उनसे एक निवेदन है कि जितने भी ये फ्री वाले जितने भी आते हैं उस पर हम कुछ लगाएं और पूर्ण रूप से जितने भी व्यापारी हैं सबका साथ लेकर आगे चलेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि मास्टर कंडारी अभी भी अपने व्यापार संघ के अध्यक्ष को तीसरे कार्यकाल में और भी सुंदर बनाएंगे और मजबूत संगठन बनाएंगे। धन्यवाद। है मेरी बच्चे कंडारी दुकान है। मेरा कहना यही है कि जो इससे पहले कार्यकाल का उनका था वो भी बहुत बढ़िया रहा, और आने वाले कार्यकाल में जो भी काम करने के सोच रहे हो लोग वो बहुत अच्छे तरीके से काम होगा। और बाजार की कोई भी परेशानियों को उन्होंने हमेशा पूरा किया है, व्यापारियों का साथ दिया है, सपोर्ट दिया है। और सारे व्यापारियों की एक इच्छा यही थी कि हमारा नया अध्यक्ष फिर वही बने दुकानदारी, तो वो बन गया है और हमें बड़ी खुशी है। और आगे हम उससे यही उम्मीद रखेंगे कि वो अपना कार्यकाल सही ढंग से करें। का धन्यवाद करता हूं जिन लोगों ने मेरे को यहां पे चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया और मुझे यहां पे जीत दिलाई। सभी व्यापारी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे के लिए सभी एकजुट होकर मैं व्यापारियों से सबसे पहले यही कहूंगा कि सबसे पहले हमारा विजन रहेगा कि फेरी वालों पे, जो फेरी वाले यहां पे घूम रहे हैं, सबसे पहले इन पे प्रतिबंध अंकुश लगाया जाएगा। सभी व्यापारी एकजुट होकर उन फेरी वालों पर, सबसे बड़ा लक्ष्य हमारा ये है। दूसरे में हमारे जो व्यापारी अगर कोई किसी भी प्रकार से भी कोई परेशानी होती है उसके लिए हम तत्पर तैयार हैं। बाकी जो कार्य किए थे, मैं आज यहाँ पे तीसरी बार व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना हूँ। इससे पहले 2017 में चुनाव हुआ था, उसके बाद कोरोना काल में कल का कार्यकाल हो चुका है। ये तीसरी बार मैं यहाँ पे व्यापार मंडल का अध्यक्ष बना हूँ। सभी व्यापारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं इसी तरह से कार्य करूँ जिससे मेरे व्यापारी भाई मेरा सहयोग। मैं यही कहूँगा कि सारे एकजुट होकर काम करेंगे। बाकी क्या कहूँ, मैं तो सब एकजुट होकर काम करेंगे, हमारा सभी का साथ रहेगा। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।